इतने सस्ते में बनने वाली है रेसिपी। अगर व्रत में एक कटोरी आप रोज़ खा लेंगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, प्रोटीन, आयोडीन, कैल्शियम, प्रोटीन। रियली फ्रेंड्स, स्वाद के साथ साथ में सेहत का खजाना है यह रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, पूनम स्वागत करती हूँ आपका अपनी फैशन भाई पूनम साहू में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी लेकर आ गई हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर मेरे चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये सिंघाड़े का आटा लिया है, जो बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर ना मिले तो आप उसे लेकर आप सुखाकर उसे ग्राइंड कर लें और छान कर ले लें। मैंने हाफ कटोरी लिया है, आपको उसी से मेजर लेना है, कोई कटोरी कप सेट कर लें। और सेम क्वांटिटी मैंने घी लिया है, आपको घी का ही यूज़ करना है। और मैंने ये रेगुलर मिल्क है, फुल फैट मिल्क की ज़रूरत नहीं है। मैंने हाफ कटोरी सेम जितना मैंने आटा लिया उतना ही लिया। आप स्किप करना चाहते हो तो ओनली पानी से भी बन जाती है ये रेसिपी, और सेम मीठा लगता है इसमें। तो मैंने चीनी भी जितना आटा लिया उतना लिया है। और मैंने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं थोड़े से कट करके, बादाम, आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। एक हरी इलायची को कूट कर लिया है। और चलिए कढ़ाई में सबसे पहले हम घी डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप इसको घी में ही बनाएं तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे, आप ऑयल में ना बनाएं। और गैस का फ्लेम मीडियम है, और आटा को डाल देंगे और भूनेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इस चीनी को मेल्ट करना होता तो पहले आप उसी को चढ़ा दें, बट मैंने पहले आटा भूनना स्टार्ट कर दिया, तो मैं बाद में करूँगी। तो कोई बात नहीं, मैं गैस ऑफ करके पहले उसको ही रखूँगी, थोड़ी देर भून लेती हूँ। उसके बाद अब आपको दिखाती हूँ, जिस कटोरी से मैंने ये चीनी लिया है और उसी कटोरी से आटा लिया है, हाफ कटोरी चीनी है, हाफ कटोरी आटा है और हाफ कटोरी घी है। तो अब मैं आपको पूरा मेजर समझा देती हूँ। मैंने दो कटोरी पानी डाला है और इसको बस आपको मिक्स कर लेना है, चाशनी नहीं बनाना है। मैंने गैस फिर से ऑन कर ली है, कढ़ाई वाली, और इसको कंटिन्यू चलाते हुए हम भुनेंगे। आपको छोड़ना नहीं है, और बहुत जल्दी ये भुन जाता, देखिए आपको बबल सा दिख रहा है ना। गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है। अगर आप बहुत हल्के बर्तन का यूज़ करें तो बिल्कुल लो रखें, जिसे जले नहीं, नहीं तो फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। और वो मैंने चीनी को मेल्ट कर लिया, तो गैस ऑफ कर दिया है। और देखिए ये थोड़ा ही इसमें कसर है, नहीं तो ये भुन चुका है आटा हमारा। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगती है और बबल से आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसी में ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। थोड़ा सा हम और भुनेंगे तो उसी के साथ ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो जाएंगे, या फिर आप अलग से भी रोस्ट करके पहले घी डालकर उनको निकाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। बट मैं इसी में डाल दूंगी क्योंकि थोड़ी देर और भूनने वाली हूँ, इसी में भुन जाएंगे। ये देखिए बहुत जल्दी भुन जाता है। और जब आप डालें ना ये पानी, तो आपको ऑफ़ कर लेना है गैस को। बट मैं पहले इसमें मिल्क का यूज़ कर रही हूँ, तो पहले मिल्क डालूँगी, और जब पानी आप डालें तो उसको गुनगुना कर लें, अगर ठंडा हो जाए। बट मेरा ये गुनगुना है। और मिल्क आप नहीं डालना चाहते तो आपको पानी का यूज उतना ही करना, जैसे मैंने हाफ कटोरी आटा लिया, इसीलिए कोई कप कटोरी जिससे लें, अगर हाफ कटोरी लें तो आपको उसी से लेना है। मैंने दो कटोरी पानी यूज़ किया है क्योंकि सिंघाड़े का आटा बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करता है। और मैंने दूध दो बार में डालकर उसको मिक्स कर लिया अच्छे से। ऐसी और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और ये देखिए मैंने दूध डालकर पहले मिक्स कर लिया, अब पानी को भी हम छान कर डाल देंगे, जिससे चीनी में कोई भी इंप्योरिटीज हो तो वो निकल जाएंगी। अगर आपकी चीनी बिल्कुल साफ हो तो आप ना छाने। और आपको गैस को ऑन कर लेना है जब आप डाल लें मिक्स करने के बाद। ये देखिए और बहुत ज़्यादा पानी ये अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इतनी क्वांटिटी में डालना पड़ता है। और मैं दो बार में मैंने पानी भी डाला है, दूध भी मैंने दो बार में डाला था, क्योंकि आपको कंटिन्यू चलाना भी होता, बहुत जल्दी उसमें लम्स आ जाता है। और दूध को मैंने इसलिए डाला, उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी इन्हेंस होता है और दानेदार एक टेक्स्चर आ जाता है, तो इसलिए मैंने यूज़ किया है हाफ कटोरी जितना। आप पूरा मिल्क में भी बना सकते हैं या फिर मिल्क स्किप भी कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी चीज़ जो आपको सही लगे, जैसा आप अफोर्ड कर पाए उस अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते हैं। अगर मिल्क नहीं है तो बिल्कुल पानी से बना सकते हैं आप इसको, और कंटिन्यू चलाना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने, और देखिए कितना अच्छे से ये पक रहा है। आपको बस कंटिन्यू चलाते रहना, और कुछ भी इसमें ज़्यादा आपको हार्डवर्क नहीं करना होता। और आपने देखा कितना झटपट बन जाता है। बट फ्रेंड्स, रियली इसमें इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो मैं अभी आपको बताने बैठूंगी तो आप सोचेंगे कि मैं आप मुझे साइंस पढ़ा रही हैं या फिर रेसिपी दिखा रही हैं। बट आप कभी भी इसको गूगल पर सर्च करके देखिएगा, सिंघाड़े के आटे में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाला, आप केसर के धागे भी डाल सकते हैं इसको वर्जन को अच्छा बनाने के लिए। अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं हेल्दी वर्जन बनाने के लिए।
ना हो तो फिर प्लेन भी बना सकते हैं। अगर आप इलायची पाउडर भी नहीं डालना चाहते या नहीं है तो सिंघाड़े के आटे का भी खुद का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी है। ये सब अपने अकॉर्डिंग होता है, जो आपके पास हो आप वो चीज़ डाल सकते हैं। और आपने देखा जब वो बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगा था उस स्टेज पे मैंने गैस ऑफ किया है। और चलिए अब हम प्लेटअप कर लेते हैं। ये देखिए रियली फ्रेंड्स इतना माउथ वाटरिंग लगता है, ये बच्चों को देंगे बड़ों को देंगे सभी को बहुत पसंद आने वाला है। और इसको तो हमारे बहुत पुराने से लोग इसको बनाते खाते आ रहे हैं। आपने देखा होगा ये कि पुराने में भी बहुत ज़्यादा सिंघाड़े का आटे का यूज़ करते थे व्रत में लोग। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये सिंघाड़े की आटे की हलवे की रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और के साथ, और लाइक बटन को प्रेस करके एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको। और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप देखिए इसका टेक्स्चर देखिए कितना दानेदार है, परफेक्ट है। और आप खाएंगे तो रियली आपको टेस्ट भूलेगा नहीं, जो तरीका मैंने शेयर किया है अगर उस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि जो तरीका मैंने बताया वैसे हमारी दादी नानियाँ नहीं बनाती थी, इसीलिए हमारे जो आज के न्यू जनरेशन बच्चे नहीं खाना पसंद करते थे, बट मेरी तरीके से बनाएंगे तो बच्चे बड़े बूढ़े सभी खाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करना जिससे सभी बनाकर इंजॉय करें, और आप भी बनाकर जरूर इंजॉय करना इसको। तो आप सभी भी बनाए खाएं और इंजॉय करें, साथ में मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना अगर रेसिपी अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू फैमिली, जय माता दी। अगर आपने मेरी ये वाली रेसिपी नहीं देखी तो जाइए मेरे चैनल पर देखिए, और मैं फिर मिलूंगी आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।